गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश सुथा, फिजिक्स की जो आज की लेक्चर सीरीज है उस लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज आपके लिए लेके आए जो हमने गॉस के नियम के जो चार एप्लीकेशन पढ़ लिए उन चारों एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो चारों टॉपिक्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें हम दो टाइप्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। पहली जो आपकी बुक के एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक है, जो बुक के एग्जाम्पल है वो, और दूसरी जो आपके बुक से थोड़े हटके पर कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम है उस न्यूमेरिकल आने की संभावना पूरी पूरी रहती है और उस थ्योरी को पूरा अच्छे से समझाने के लिए वो एक्सप्लेन कर सकती है। तो हम वैसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, देखो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेरे पास जो है वो थोड़ी इंग्लिश मीडियम की बुक्स के हैं, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है वो तो मैं उसको करके हिंदी में कन्वर्ट करके या हिंदी में जो बुक में लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ दिख जाएगा, और जो बुक के एग्जाम्पल नहीं है कुछ दूसरे क्वेश्चन है तो उनके बारे में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज को। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 2.10। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 2.10। एग्जाम्पल नंबर 2.10 के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब उसके एक वायर दे रखा है जिसकी अनंत लंबाई है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब गिवन में हमें क्या दे रखा है, लेमड़ा दे रखा है, गिवन में लेमड़ा दे रखा है, वो दे रखा है 2 μC/μ। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट लोकेट एट अ डिस्टेंस 20 cm, मतलब 20 cm दूर से स्थित किसी बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो 20 cm मतलब कितना हो गया 0.02 मीटर। अपने क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट में हमें क्या करना है, इसके लिए टू फाइंड आउट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के कारण तो फॉर्मूला था वो 2kλ/μ में कितना होता है r। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे और सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखो 2k का मान सबको पता है 9×10⁻¹ लेमड़ा यहाँ पे माइक्रो कूलाम में दे रखा है, तो माइक्रो कूलाम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर, सॉरी कूलाम के अंदर। तो कूलाम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो में कितना 10⁶, तो 2×10⁻¹ कूलाम/मीटर। तो यहां से हमें ये मान रखें तो 2×10⁻¹ / ये जो आर की डिस्टेंस वर्ग देते हैं सीधा सोल्व करें 2×10⁻¹ 2 मीटर। यहाँ से 2e2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 2 से काटेंगे तो −4 बच जाएगी। इस −4 को अगर 9 से एड दैट करें इसको तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁵ N/m कितना हो जाएगा मीटर, या बोल सकते हो वोल्ट/मीटर। ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का सूत्र आ गया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था बुक का एग्जाम्पल। आज का जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है पर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको एक लेसन नंबर 2.7 आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस पर एक टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें एक ऐसी क्वांटिटी निकालने के लिए बारे में चर्चा करेंगे और वहां से हम 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा ही टॉपिक है वहां पर, वायर हैविंग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 इज प्लेस्ड पैरेलली एट डिस्टेंस डी टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1, डिटरमाइन द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर, वायर में निकालना है लैम्डा 2। चलिए करते हैं बेटा सीरीज को आगे बढ़ते। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या करा है, दो वायर दे रखे, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2 क्या कर रहा है, दो वायर दे रखे इनफाइनाइट है और उनकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। तो पहले वायर के लिए लैम्डा 1 ले ली थी, दूसरे वायर के लिए मैं कौन सी ले ली, लैम्डा 2। ये हमारे पास सेकंड वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। अब हमें क्या निकालना है कि द्वितीय तार पर गिवन तो हमें दे रखा है, टू वायर दे रखे हैं, टू वायर, और टू वायर की क्या दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 वायर लैम्डा 2। टू फाइंड आउट में हमें क्या दे रखा है, टू फाइंड आउट में हमें दे रखा है यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालना क्या है, द्वितीय तार पर प्रथम तार द्वारा
द्वारा एकांक लंबाई पर, लगने वाला बल। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे बेटा कि जो सेकंड फर्स्ट तार है उस फर्स्ट के तार के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी है, तो क्या निकालेंगे, प्रथम तार द्वारा डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र प्रथम तार के इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होगी, ई बराबर 2 के लैम्बडा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा डी इनफाइनाइट बाय। अब मैंने क्या कर लिया, इस सेकंड तार पर मैंने क्या कर दिया, DL5 की कल्पना कर दी। DL5 पे चार्ज कितना माना, डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज कितना होगा, डी क्यू बराबर देगा λ2 × DL। ये क्या है, DL अल्पांश पर उपस्थित आवेश। अब हम क्या निकालेंगे कि जो डीएल अल्पांश है उस पर ये लगाने वाला फोर्स कितना है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डीएल अल्पांश पर प्रथम तार द्वारा लगाया गया विद्युत बल। ये कितना होगा, विद्युत बल मैंने मान लिया अल्पांश के लिए बेटा, जो बल होगा वो अल्पांश पर लग रहा तो छोटा बल होगा, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इंटू चार्ज। डीएफ बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वो कितनी, उसके फॉर्मूले का मान देते हैं 2 के λ1 / d × dQ का मान कितना है, λ2 × dL। अब हमें क्या निकालना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो मतलब क्या आनी चाहिए बट्टे की लंबाई आनी चाहिए, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, DF बटे में DL डिवाइड में ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास एकांक टर्म वाला, तो क्या हो गया, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और वो कितना है 2 के λ1 λ2 / कितना देगा R। ये हमारे पास एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का सूत्र आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब जो हमारा जो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के 2020 के जो पेपर था हमारे पास इस साल का, उसके अंदर ये आ रखा था। ठीक है, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज लीनियर वायर चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ, मतलब एक तार के चारों क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये हमारे पास एक तार दे रखा है, इस तार के चारों एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वर्तीय पथ पर। मैंने मान लिया वर्तीय पथ की त्रिज्या द्वार दे रखी है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है गिवन के अंदर, आर बराबर 0.1 मीटर। अब ये क्या करे, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर वो कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस, मतलब इस तार की जो लेमड़ा आने रखा है वो 10 की पावर माइनस 6 कूलम बटे मीटर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, वेग का मान ज्ञात कर। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेग का मान के बारे में, तो टू फाइंड आउट में निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन अब वेग तो बल से तो वेग निकलने वाला है नहीं, हमने प्लांट पढ़ा है समाकलन लगाने की कोई चांसेस नहीं बनते, ताकि समाकलन लगा दो तो अवकलन से वेग आ जाता, तो इसका मतलब हमें एफ बराबर एम ए तक फॉर्मूला लगाने की संभावना नहीं। पर जो विद्युत बल है वो इस विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन इस पथ के चारों ओर घूम रहा है, तो विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा प्रदान करा जाएगा, विद्युत बल के द्वारा। तो क्या लिखना बेटा, यहां यहां इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत विद्युत बल ही इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो अभिकेंद्रीय बल होगा हमारे पास mv² / r, वो किसके द्वारा प्रदान कराया जाएगा, इस एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा
वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो तार के इन आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रेखीय आवेशित तार के कारण E बराबर होता है 2k लैम्डा अपॉन में होता है आर। तो ये भी मान रख देंगे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में कितना आ जाएगा आर, डेंसिटी निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन की, चार्ज दे रखा इलेक्ट्रॉन का ई हमें पता जाता है, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2k लैम्डा अपॉन में कितना आएगा आर, इस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ई बी बराबर वी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2k लैम्डा ई अपॉन में कितना आएगा एम ई, यहाँ से अगर स्क्वायर डालो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। अब हम क्या करेंगे रूट के अंदर सारा मान रख देंगे 2 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9, लैम्बडा का मान दे रखा है 10 की पावर -6 इंटू इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो 8.6 × 10 की पावर -19 कूलम अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो तो 9.1 × 10 की पावर -31 kg। ये हमें सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें देखो क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 × 9, अब 10 की पावर को ले लेते हैं ये 9.1, अब 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। 10 की पावर को सॉल्व करने के लिए देखो बेटा यहाँ पे प्लस 9 है और यहाँ पे माइनस का 19 होता है, ये बच जाएगा 10 की पावर -10, ये हो जाएगा 10 की पावर -16, और जब 31 पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 10 की पावर +31, तो माइनस के 60 से घटाएंगे 31 को तो कितना बच जाएगा अंडर रूट दी 3.2 × 9 अपॉन में होगा 9.1 × ये देगा 10 की पावर 15, वो भी 60 प्लस की। अब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास इसका आंसर आएगा 5.625 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, इसके बाद हम चलेंगे जो आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो आपका बुक का एग्जांपल नंबर 2.12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन दी 1 cm एरिया नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, मतलब 1 cm एरिया एक है जो इनफाइनाइट शीट का एक भाग है, तो 1 cm एरिया दे रखा है गिवन में, हमें उसका दे रखा है एरिया, फिर कितना दे रखा है 1 cm² बोले तो कितना आ जाएगा 1 cm² मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -4 मीटर। ये लो अब इसका क्या दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी सीट का दो दे रखा है चार्ज दे रखा सीट पर, सीट पर जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 17.70 × 10⁻¹ कूलम, वो माइक्रो में था मैंने सीधा कूलम में कर दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर नियर द सीट, मतलब सीट के जो निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि सीट जो है वो वायु में स्थित है, तो वायु में स्थित होने के लिए हमारे पास के का जो मान होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, ये हमारे पास के का मान होता है, मात्र दिखा दे इसका तो कितना होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना होगा कूलम स्क्वायर। टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण कुचालक परत के कारण, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 ε0, अगर 2 से गुणा कर दो तो 2π4k σ, ये हमारे पास क्या आता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 ε0, 2π से गुणा करने पर 2π से भाग करने पर ये क्या बन जाएगा k के पदों में बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सिग्मा नहीं दे रखा तो सिग्मा हमें निकालना पड़ेगा इस क्यू की वजह से और इस ए के हेल्प से। सिग्मा जो होता है वो क्या होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल, तो सिग्मा में आवेश कितना है आवेश है 17.70 × 10⁻¹ अपॉन में 7 दे रखा है सॉरी एरिया दे रखा है 10⁻¹, ऊपर जाने पर ये +4 हो जाएगा 17.70 × 10⁻², कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सिग्मा दे रखा। अब सिग्मा आने के बाद हम इसके अंदर मान रख देते हम सॉल्व करते आगे, सिग्मा आने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला रखेगा। ठीक है, तो सिग्मा में कितना था 17.17
मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सॉल्व करते हैं उसको बेटा। ये मैंने क्यों लिया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो इसको 2 टाइम्स काट सकते हैं इसको पूरा पूरा, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 प्लस 12 और 10 की पावर माइनस 2 बराबर कितना आएगा 10 की पावर 10 न्यूटन अपॉन में कितना देगा कूलम, या वहां तक होता है वोल्ट अपॉन में मीटर। ये हमारे पास अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अच्छा है बेटा, सुनना इसके बारे में। ये कह रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्क्वायर एंगस्ट्रम। तो बेटे क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर एक चार्ज जो है वो पर स्क्वायर एंगस्ट्रम की शीट पर डिस्ट्रीब्यूट। सुनना मेरी बात को, यहां पर बहुत अच्छी बात कह रखा है इसने कि आपको गिवन में दे रखा है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज तो दे रखा है वो एक एंगस्ट्रॉम स्क्वायर की परत पर क्या है समान रूप से वितरित। मतलब कैसे, उसका जो अपने पास सिग्मा दे रखा है वो कितना दे रखा है, सिग्मा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बराबर दे रखा है पॉजिटिव चार्ज को प्लस 1.10^-19 कूलम, उस पर चार्ज है और एंगस्ट्रॉम स्क्वायर की सीट पर डिस्ट्रीब्यूट है। एंगस्ट्रॉम स्क्वायर मतलब इसका मात्रा दे रखा है कूलम अपॉन में एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। सबसे पहले हमें एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में लेके आएंगे, चलो मीटर में लेके आते हैं इसको, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रॉम, एक हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10, दूसरा एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की पावर 10 और इसका जो आंसर है वो कूलम अपॉन की तरह का मीटर स्क्वायर हो जाए। ये कह रहे हैं इनफाइनाइट शीट दे रखिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट नियर टू इट, ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें इसमें दो चीज निकालनी है, पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी जो हमें निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो सीट हमारे पास दे रखी है तो पूछा लगे ठीक है, टू फाइंड आउट मैम टू चीजों को फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट फर्स्ट इज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पहली चीज। तो सेकेंड चीज हमारे पास क्या कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम ये निकाल। चलिए पहली चीज करते हैं, पहली चीज से दूसरी चीज होगी इसलिए, तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो पहली चीज दे रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। करते हैं बेटा क्वेश्चन, शीट के लिए क्या होता है कुचालक परत के कारण, तो कुचालक परत के कारण फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं बेटा 4k 2k 2k पाई और बता देगा सिग्मा। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 पाई का मान दे रखा है 3.14 इंटू सिग्मा का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.6। ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 की पावर 20 और 10 की पावर 20 प्लस में से माइनस 19 घटा दे तो बचेगा कितना प्लस का 1, यहां से जब ये 0 उठाऊंगा नीचे आएगा 10 और इससे कटने पर ये कितना आ जाएगा पूरा पूरा 16 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करें तो 16 दो कितना हो जाएगा हल करने पर, हल करने पर इसका आंसर आएगा 9.04 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन अपॉन में कूलम, या बोले तो वोल्ट अपॉन में मीटर। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास फर्स्ट। तो जो शीट थी उस शीट के पर जो चार्ज था वो प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर था, इसके नियरेस्ट हमने क्या रख दिया एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा त्वरण किसके कारण होगा बल के कारण होगा, बल के कारण होगा और ये बल कौन प्रदान करेगा F बराबर है mh होगा वो विद्युत बल प्रदान करेगा विद्युत बल, तो ma इक्वल टू विद्युत बल कितना होता है q into e हमें क्या निकालना त्वरण, तो q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये पता है अपॉन में कितना आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रख के सोल्व करें तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है
9.04 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के जी। इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.59 इंटू 10 की पावर 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम आगे। सर बुक का एग्जाम्पल नहीं है ये, क्या कर रहे हैं, टू इनफाइनाइट एंड इक्वली चार्ज नॉन कंडक्टिव प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। मतलब दो अनंत लंबाई की जो चालक फरक दे रखी, सॉरी कुचालक फरक दे रखी है, उनको निर्वात में एक दूसरे के बहुत निकट रखा गया। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन एंड बिटवीन पॉइंट इन बिटवीन एंड आउटसाइड ऑफ पेरेस। मतलब क्या कह रहा है, देखो बेटा सुनना, ये मैंने मान लिया कि दो कुचालक फरक है, वैसे तो इसको टॉप से देखा हुआ, ऐसे ऐसे नहीं देख रहा पीछा ताकि वो थोड़ा गैप दिखे, अगर दिखाना चाहो तो ये सीट मान सकते हो। ये पहली सीट है, ये हमारे पास दूसरी सीट, दोनों पे जो चार्ज है वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, वैसे वापस इसको वनडी में बनाऊंगा, यहां पर ये इक्वल ये, इसका मतलब सिग्मा भी क्या है इसका, सिग्मा सिग्मा क्या है, तो मैं इसके बीच में जो बिटवीन है एक आउटसाइड, दोनों तरह क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्या दे रखा है गिवन के अंदर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो भी क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो बोलते हैं सिग्मा। अब सबसे पहले देखो वेक्टर एडिशन का फेल है, क्योंकि यहां पर जो चार्ज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है वो वेक्टर एडिशन के आधार पर होगी, क्योंकि दिशा इनकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल डेंसिटी का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट, देख लेते हैं क्या कहते हैं टू फाइंड आउट में, दो चीजें याद करनी है, एक तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और सेकेंड हमारे पास है बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। ठीक है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी देखते हैं तो कुचालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देख लो पहले कितना होता है, कुचालक के कारण, तो कुचालक के कारण वेक्टर के बदलोगे तो कितना होगा, टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश, ये होता है पृष्ठ लंबवत का। चलिए शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी ई वन, वो तो इसके कारण है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो पहले हम दिखा गए ए पॉइंट पर, ये मेरे पास मान ली परत ए परत बी, तो बेटा देखो इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये डायरेक्शन मैंने मान ली कितनी होता एक्स, मान ली एक्स दिशा में कैसे देश होता है आई कैप, तो हम क्या निकालेंगे परत ए के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितना होगा ई वन, ई वन होगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आई के, आई के क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस तरफ होती है, बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार ये तो सीट है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो देखो इस तरफ का मतलब ये कितना हो गया माइनस आई के, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा परत बी के कारण, परत बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमारे पास कितनी है सिग्मा बराबर टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर के बदले लिखना देखो वो हो जाएगा माइनस का आई के फर्स्ट एंड सेकंड।
जोड़ देते हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एट पॉइंट ए पर वो कितना आएगा, ई वन प्लस कितना आएगा, ई टू आएगा। तो ई वन कितना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन एल नोड प्लस का आई केव, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन एल नोड माइनस का आई केव, प्लस माइनस कर जाएगा नेट कितना है, जीरो हो जाएगा। बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यू। अब बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी जाए तो ये हमारे पास पॉइंट बी है, मान लिया पॉइंट बी ये आउटसाइड में, उसने ये नहीं बोला कितने डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अब इसके कारण इंटेंसिटी बी बाहर की ओर जाएगी, इसके कारण इंटेंसिटी भी किस तरफ जाएगी, बाहर की ओर। तो मतलब इस तरफ ई वन के कारण भी होगा, इस तरफ ई टू के कारण भी होगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, फर्क ए के कारण, ये देखिए ना, ए के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी, परत ए के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वो कितना देगा आई के, इसी प्रकार दूसरी परत के कारण ई टू वो कितना देगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई के, वो भी पूछा होगा प्लस का। अब नेट कितनी हो जाएगी, नेट दोनों का एडिशन के बराबर होगी, वेक्टर एडिशन के बराबर, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई के प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई के, तो बता देगा जोड़ने पर टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आई के, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, देन नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल दिखा दे एट पॉइंट बी पर, तो बता देगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी बुक का जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है वो है 2.30। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टिव प्लेट इज 4×10⁻⁶ कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब आपको गिवन में सिग्मा दे रखा है, वो भी कितना रखा है 4×10⁻⁶ कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चार्ज जो दे रखा हमारे पास क्यूब पे, मतलब एक आवेश दे रखा है उसको निकट रखा गया है इसके, 2×10⁻⁶ कूलाम। चार्ज इज कैप्ट नियर एट द प्लेट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन ए चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है उस प्लेट पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो, ये कह रहा है प्लेट दे रखा है, उस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मतलब सिग्मा आपको दे रखा है। उसके निकट एक चार्ज रखा गया है क्यू और आवेश हमारे पास इतना दे रखा है। क्योंकि आवेश नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण आवेश पर क्या लगेगा बल, वो लगेगा इस तरफ। तो जो बल लगेगा इस तरफ वो बल को मैं आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में लिख सकता हूं। अब जो आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में लग दिया तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान फाइंड आउट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान फाइंड आउट करेंगे वो भी किसके पद के लिए, चालक के लिए। तो चालक के लिए कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या बोले तो 4 के पाई सिग्मा, ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसमें आपको सिग्मा भी दे रखा है तो सबसे पहले ये मान हम यहां रख देते हैं। यहां रखने पर हमारे पास फोर्स क्या देगा, जितना सिग्मा सॉरी क्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय 4k के बदले में ले रहे हैं एक बार के लिए। यहां से हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो ये कितना देगा एम ए, वो कितना आएगा ए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से सॉरी आपको केवल फोर्स ही निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना नहीं है। तो हमें बस इस क्वेश्चन को यहां तक ही करना है। इसके अंदर आपको मान रखना है 2×10⁻⁶ सिग्मा का मान दे रखा है 4×10⁻⁶ और ये दे रखा है एप्सिलॉन नॉट का मान बहुत है 8.85×10⁻½। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 4×2 × 8.85 × 6×12। ऊपर जाएगा तो प्लस के पावर में माइनस के पावर घटेगा तो 10⁻⁴ बचा जाएगा 0। ये हो जाएगा मान इक्वल सॉल्व करें तो 8 × 8.85 लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर तो आएगा 0.98 न्यूटन के समथिंग आ जाएगा। सॉरी
0.90 के समथिंग होगी। ठीक है, आज का हमारा वीडियो सीरीज लेक्चर वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो यहीं पे खत्म हो रही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद। कल हम चलेंगे गॉस के नियम का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉरी गॉस के नियम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में, और वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेशन के अंदर या कोई भी जो चाहे वो एलएलबी की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शीट देख लो और चाहे वो किसी भी संस्थान की या फिर कोई कोचिंग की कोई टीचर की कोई राय पूछे तो कहते हैं वो क्वेश्चन तो पक्का आएगा बोर्ड के अंदर। वो कौन सा क्वेश्चन है वो हम बताएंगे कल के वीडियो के अंदर। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।